हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। शिक्षक, शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक शी मतलब शिखर तक ले जाने वाला, अक्षय क्षमा करने की भावना रखने वाला, कै कमजोरी को दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर करके उसे शिखर तक लेकर जाता है, वही सच्चा शिक्षक है। और हम प्रयास करते हैं कि हम आपकी कमजोरियों को दूर करें और हम आपको अच्छे से अच्छे मेथड के अंदर पढ़ाएं। इसी को लेकर सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस जो आपका चैनल है, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और इसके अंदर हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, द नरेशन। कल जो हमने लेक्चर मेरा पिछला आया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था नरेशन के बारे में। नरेशन जिसको अगर किसी जगह पर आप देखोगे तो टॉपिक का नेम रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? रिपोर्टेड स्पीच। कल हमने इसके अंदर पढ़ा था डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, डायरेक्ट स्पीच क्या थी, जैसे अनुराग said to me, अनुराग said to me, I am playing hockey, I am playing hockey, full stop, comma close। ये sentence मैंने आपको दिया हुआ है direct speech के अंदर, अनुराग said to me, I am playing hockey। इसको हम indirect speech में जब change करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अनुराग सेट टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में, मी कोमा को हटाकर, दैट आई की जगह पर क्या लगाते हैं, ही इज का वाज और प्लेइंग और ये हॉकी का, यहाँ पर किसका यूज किया, हॉकी के लिए हॉकी वर्ड का। इस तरह से हमने इसको चेंज किया। हमने कल रूल पढ़े थे जो जनरल रूल थे हमारे, वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या क्या इसकी खासियत, क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट हैं, किन तथ्यों पर आधारित होकर, किन जनरल ट्रूथ पर हम आधारित होकर कहते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच, अनुराग टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग हॉकी। अगर आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ना है तो नरेशन का एक लेक्चर आ चुका है, उसके अंदर आपको मिलेगा व्हाट इज नरेशन, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था नरेशन को करने से पहले उसके दो या तीन आपको चार्ट समझाएंगे, जिन स्टूडेंट्स को इसके चार्ट और साथ ही साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए नरेशन बिल्कुल इजी मेथड में। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं कोई भी चीज़ आपको करवा रहा हूँ तो मेरी मैक्सिमम एफर्ट्स रहते हैं कि स्टूडेंट्स दूसरों को भी हेल्प करें, मदद करें, उनको करवाएं। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, अनुराग सेट टू मी आई एम प्लेइंग हॉकी, सेट टू को किस में चेंज किया गया, वर्ब को टोल्ड में, और यहाँ पर एम को किस में चेंज किया गया है, वाज में। इसका मतलब आपको ये क्लियर नजर आ रहा है कि जब सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से किस में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट इंटो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच, कन्वर्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच, देन क्या होता है, जब आप डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, देन क्या होगा, आपने क्या यहाँ पर ध्यान देना है। इसको चेंज करने के लिए हम जो टेंस का यूज कर रहे हैं, आप इसके लिए कुछ जनरल रूल्स हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं, जनरल रूल्स। जब डायरेक्ट स्पीच को आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में, देन तब क्या होता है, तब आपने ये ध्यान रखना है यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस, देन
नो चेंज, तो किसी तरह का कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर से या टेल दिया होता फर्स्ट फॉर्म, से या टेल या विल से, या विल से वर्ड दिया होता, तो हम यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंज अप नहीं करते। इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बिल्कुल चेंज अप नहीं होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि ये सेकंड फॉर्म दी हुई है से की छह, क्या दिया हुआ इसका टोल्ड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें हो पास्ट टेंस में, तब आपने क्या करना है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ आपने क्या करने है चेंज करने, क्या करना है कुछ है के, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा बड़े आराम से, आप देखें उनको नोट करें और बड़े अच्छे तरीके से आप समझे। अनुराग सेट टू, अगर यहाँ पर सेट टू आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर वर्ब हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब आपको इस अंदर वाले टेंस के अंदर कोई भी चेंज अप टेंस में नहीं करना। पर्सन चेंज कीजिए, आई का ही कीजिए, लेकिन आपने टेंस का चेंज नहीं करना। इज्जयमार को किस में रखना है, इज्जयमार में, यदि यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। यदि ये सेट टू है, सेकंड फॉर्म है, इसका आप टोल्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको इज्जयमार को किस में कन्वर्ट करना है, वार्ड वर्ब में। तो इस तरह से आज हम आपको बताएंगे कि इनको यूज कैसे किया जाता है, इनका कैसे यूज किया जाता है, इनको कैसे चेंज किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट किया जाता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में, तब किस टाइप के रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किए जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या किए जाते हैं चेंज, आज हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा हम क्या करेंगे प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, कौन सा टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इसको चेंज किसके अंदर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपको क्या दिया होता है, या तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस अकेले, आपने इसको चेंज किस में करना है, आपने इसको करना है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसके अंदर पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर डू नॉट डज नॉट है तो आप इसको किस में करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसे ही ऐसे तो फर्स्ट फॉर्म में, अगर आपके पास डू डज और साथ में नेगेटिव में दिए होते हैं या इंटरोगेटिव में, तब आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे डू नॉट डज नॉट तो आपने उसको डिड नॉट में चेंज करना है, अगर वैसे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट डू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तब सेकंड में चेंज होता है। इसी तरह से सेकंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिया होता है इज एम आर फर्स्ट फॉर्म और आई एन डी, आपने इसको कन्वर्ट किसमें करना है प्रेजेंट को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इट मीन्स आपने इज एम आर को किसमें चेंज करना है वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन डी। देन थर्ड, फिर आपको क्या दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, इट मींस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी तरह से हम फोर्थ को ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें आपको क्या दिया होता है, इसमें आपको हैज है प्लस में क्या दिया होगा बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन डी, हैज है बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन डी, इसको कन्वर्ट किस में करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको had been plus first form और ing में। इसके बाद यहां हम इसको ब्लैक में कर देंगे,
इसके बाद हमारा कौन सा रह गया, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसमें आपको क्या दी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन इसको आपने किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इट मींस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने इसको चेंज करना है। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आपको क्या दिया होता है, वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसको आपने कन्वर्ट किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इट मींस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो इस टाइप से नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, तो सिक्स टेंस होते हैं जिनको आपने इनमें चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इस टाइप से ये सिक्स है जिनको आपने इसके अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको इस सेंटेंस के अंदर कहीं भी आपको शैल या विल दिया हो तो आपने उसका चेंज किसमें करना है, शुड में या वुड में, शुड या वुड में आप इसका चेंज करेंगे। इसी तरह से अगर आपको इज में दिया हो या एम में, इज या एम में, तो आप इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, वाज में। कई बार सिंपल दिया होता है आई एम इन, तो एम को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, वाज में। इसी तरह से हैड और हैव को आपने किसमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, हैड और हैव को हैड में, इसमें हैज हैव को हैड में। इसी तरह से आपने किसको कन्वर्ट करना है, जैसे वाज और वर को इसमें कन्वर्ट करना है, हैड बीन में, हैड बीन में। इसी तरह से हैड टू हैव टू, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हैड टू में। इसी तरह से आपकी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको किसमें कन्वर्ट करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मे को किसमें कन्वर्ट करना है, मे को माइट में, मे को किसमें करना है, माइट में। इसी तरह से यहाँ पर कैन को किसमें कन्वर्ट करना है, कैन को किसमें, कुड में, मे को माइट में, कैन को किसमें करना है, कुड में। और मस्ट को, मस्ट को मस्ट में, जब बात किसकी हो, किसी सलाह लेने की हो, एडवाइस की बात हो, जब किसी प्रकार की एडवाइस यानी सलाह की बात, सलाह की बात हो, तो आपने इसमें मस्ट को मस्ट में। यदि कई सेंटेंस हम देखते हैं मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट किया गया होता है, इसमें मस्ट को हैड टू में, तो वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी ओब्लीगेशन की बात हो। ओब्लीगेशन क्या होता है, उत्तरदायित्व या कर्तव्य की बात हो, वहां मस्ट को किसमें कन्वर्ट करना होता है, हैड टू में। इस तरह से हमारा विल हैव टू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वुड हैव और टू में, वुड हैव टू में, विल हैव टू को वुड हैव टू में। इस तरह से ये हमारा जो चार्ट है, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी कॉपी पर, इस तरह की आप एक इस तरह का पेज तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, इज हैव को वाज वर्ब में, हैज हैव थर्ड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैज हैव बीन प्लस को हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वाज वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हैड बीन में, विल शैल विल को शुड और वुड में, इज हैव को वाज में, हैज हैव को हैड में, वाज वर्ब को हैड बीन में, हैज टू हैव टू को हैड टू में, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, मे और कैन को माइट और कुड में, मस्ट को मस्ट में,
मस्ट के आने पर यदि एडवाइज है तो मस्ट में ही रखेंगे, यदि मस्ट कोई उत्तरदायित्व की बात है तो हैड टू में, ऑब्लिगेशन की बात है, ड्यूटी की बात है तो हैड टू में, विल हैव टू को वुड हैव टू में। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, जो आपको इस टाइप के चेंजर करने ऊपर बताए गए टेंस के हिसाब से। इस तालिका को, इस चार्ट को आपने प्रिपेयर करना है और इसको आपने अपनी नोटबुक के अंदर, जहां भी ये लेक्चर आपने पिछला तैयार किया है उसी लेक्चर के आगे आप इस स्टेप को आगे लेकर जाएंगे, ताकि इसके बाद जो नरेशन सिखाने की है वो इन्हीं टेंसेस को हम पहले करेंगे। हमारे आने वाले 2 या 3 लेक्चर के अंदर हम ये टेंस जो ये दिए गए इन्हीं के 6 के एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिश वो यही रहती है कि हम आपको अच्छे से सिखाएं, और लेकिन कोऑपरेशन आपका सबसे अच्छा रहना चाहिए। कॉन्टिन्यूस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल के अंदर जहाँ भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ आप अपने आप को शेयर कीजिए इसको। थैंक यू।